नगर पालिका के कई ऑफिसर मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन यहाँ की तादाद घट रही है, और सुनने में आया है कि अभी पिछले हफ्ते बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ से रिटायर्ड होके घर को जा चुके हैं। लेकिन प्रशासन से, मैं समझता हूँ इसके प्रशासन की ये रवैये पे हम धिक्कार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इनका काम है कि यहाँ के जो ट्रस्टीज है या पदाधिकारी है उनको उन्होंने इनके मालूमात में ये बात लाना चाहिए कि ये अधिकारी आज स्वीकृत हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो ये बात अभी तक हमको पता नहीं है। तो ऐसे प्रशासन की हम निंदा करते हैं कड़ी शब्दों के अंदर। और रहा दूसरे, मैंने सुना हूँ कि कई सारे ऑफिसर्स वॉलेंट्री वीआरएस के भी चक्कर में हैं। उसका तो रीज़न हमको समझ में आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले यहाँ के औरंगाबाद के खासदार श्री इम्तियाज जलील साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यहाँ के जो घोटाले हुए हैं उसके अंदर कई अधिकारी और जैसा कि सत्ताधारियों के साथ मिले हुए हैं, तो वो उसी डर से आज वीआरएस लेने के चक्कर में है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लोग ड्यूटी पे रहे और उनकी इंक्वायरी लगी तो यकीनन वो लोग जेल में जाएंगे। तो ऐसा कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, कुछ वीआरएस ले रहे हैं, उससे यहाँ का जो कामकाज का सिस्टम है ये टोटली ठप होने वाला है। तो ऐसे में हमारे कमिश्नर साहब ने जल्द से जल्द यहाँ पर प्रस्ताव लाना चाहिए आकृति बन का, और उसको फाइनलाइज करके स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके यहाँ पे नौकरियों की भर्ती करना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, यहाँ के शहरवासी हो या यहाँ के कॉर्पोरेटर्स हो या पदाधिकारी हो, यहाँ पे कोई ऑफिसर्स टेबल पे नजर नहीं आ रहा है। पूछने पे मालूम पड़ता है कि एक ऑफिसर के पास में 5 खाते, किसी के पास में 6 खाते हैं, तो वो फला काम पे गया, फला काम पे गया, और वो जो काम उसका असल है वहाँ कोई नजर नहीं आता। तो ऐसे कामकाज के ऊपर थोड़ी सी यहाँ के कमिश्नर साहब ने नजर डालना चाहिए, और जल्द से जल्द आकृति बन कर फाइनल करके यहाँ पे उन्होंने अपॉइंटमेंट्स करना चाहिए और सिस्टम अच्छे से चले इसका प्रयास करना चाहिए। आज जो पानी के ऊपर मीटिंग हुई इसके सिलसिले में कुछ देखिए, आज की जो पानी के ऊपर जो मीटिंग रखी गई थी, कमिश्नर साहब की तरफ से एक डेमो दिया गया कि तकरीबन 1600-1700 करोड़ का एक DPR तैयार किया गया और वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी, सिर्फ एक क्या कहेंगे उसके फॉर्मेलिटी करने के लिए आज उन्होंने वहाँ यहाँ पे मीटिंग रखा था, और यहाँ पर महापौर ने वो और दूसरे कई पदाधिकारियों ने जो उसके अंदर उसके जो कमी बेशी थी उसके ऊपर सवालात उठाए। तो देखने में ये आया कि कोई अधिकारी उसको नोट नहीं कर रहा था, यानी कि आप सिर्फ अपनी बात को रखो, हम ये कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। मुझे ऐसा लगा ये सारी चीज़ें तय है, कमिश्नर साहब को ये फाइनल करके उन्होंने भिजवा दिया या भिजवाना है उनको, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अब 4 महीने के बाद में विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो ऐसी कई योजनाओं का डिक्लेरेशन करेंगे, पर इम्प्लीमेंट कितना होता है ये खास बात ये रहेगी देखने की कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं समझता हूँ विधानसभा के मद्देनज़र ये सारी चीज़ें लाई गई पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, वोट बटोरने के लिए, अगर इसके नियत अगर साफ होंगी तो जल्द से जल्द इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।